नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। स्वच्छता ग्रहियों ने विभिन्न मांगों को लेकर कमिश्नरी पार्क में बैठक की, जिसके संबंध में स्वच्छता ग्रही संघ के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि हम लोग जनपद के स्वच्छता ग्रही हैं और हम लोग निश्चित मानदेय व निश्चित कार्य को लेकर बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सीतापुर की जनसभा में कहा कि स्वच्छता ग्रही स्वच्छता में अच्छा कार्य कर रहे हैं, इन लोगों को मानदेय व नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देर से ही लेकिन हम लोगों के हक में फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सरकार हम लोगों को 15 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र दे, यदि समय से नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो हम लोग लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वच्छताग्रही संघ के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र विश्वकर्मा ने कहा, हम लोग जनपद गोरखपुर स्वच्छताग्रही हैं। हम लोग अपने विभिन्न मांगों को लेकर के निश्चित मानदेय और निश्चित कार्य को लेकर के हम लोग बैठे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री सीतापुर जनपद में अपने जनसभा में उन्होंने कहा कि स्वच्छताग्रहियों का स्वच्छता के लिए बहुत ही अच्छा फैसला इन लोगों ने लिया, काम किया है और इनको निश्चित तौर में इनको मानदेय और इनको नियुक्ति प्रमाण पत्र देंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यह उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, अगर यदि 15-20 दिन के अंदर हम लोगों को मांगों पर विचार नहीं होता है, हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है, नियमित मानदेय नहीं मिलती है, तो निश्चित तौर में आगामी अगले महीने में हम लोग लखनऊ की सदरी विधानसभा का जबरदस्त घेराव करेंगे, जिसमें सभी उत्तर प्रदेश के स्वच्छताग्रही शामिल रहेंगे। इसकी मांग वर्षों से हो रही थी जी। आज मुख्यमंत्री जी वाला संज्ञान लिया, क्या कहेंगे? हम अपने गोरखपुर मंडल के स्वच्छताग्रहियों ने जो रानी लक्ष्मीबाई पार्क से चल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के कैंप कार्यालय तक जा करके ज्ञापन दिया और देर से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुरुस्त फैसला लिया, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। नाम और पता जितेंद्र विश्वकर्मा। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावां, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। पूर्वांचल दिव्यांग महासभा के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर कमिश्नरी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय कुमार ने बताया कि हम लोगों की सबसे पहली मांग है कि हम दिव्यांगजनों को आवास की सुविधा दिया जाए, इसके साथ सभी दिव्यांगजनों को लाल राशन कार्ड मिले और जो सरकार की तरफ से मोटराइज्ड इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल वितरण किया गया है उसका सामान गोरखपुर में मिले, क्योंकि जिस कंपनी ने यह ट्राई साइकिल बनाया है उसकी बैटरी एक साल में ख़राब हो जा रही है और वो यहाँ पर नहीं बन पा रही है, इसलिए उसका रिपेयरिंग सेंटर खोला जाए। उन्होंने कहा हम दिव्यांग बेरोजगार हैं, हम लोगों को रोजगार दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वांचल दिव्यांग महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय कुमार ने कहा, हम लोग आवास की समस्याओं को लेके मांग कर रहे हैं, दिव्यांगों को लाल कार्ड मिले, उन्हें रोजगार मिले, उनकी मोटराइज गाड़ी का सामान गोरखपुर में मिले। एलम्को कंपनी जो मोटराइज गाड़ी देती है उसका साल भर में बैटरी खराब हो जा रहा है, लेकिन सर्विस सेंटर न होने के कारण वो बन नहीं रहा, वो रखा ही सड़ जा रहा है। तो सरकार से सबसे पहले मांग हमारी आवास की है, सरकार हमें आवास दे, रोजगार दे, लाल कार्ड दे और बिजली के बिल में भी कुछ छूट दे, ताकि दिव्यांग आराम से अपनी आजीविका चला सके। यही सब मांगों को रखते हुए पूर्वांचल दिव्यांग महासभा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एसोसिएशन गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने बताया कि हम लोग दवा प्रतिनिधि पूरे भारतवर्ष में अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारे कानूनों में छेड़छाड़ कर रही है, जबकि सरकार से वार्ता हो चुकी थी, इसलिए सरकार से मांग है कि हमारे कानूनों में छेड़छाड़ बंद करें और क्योंकि ये कानूनों मालिकों के हक में है,
उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिक से की बात को सुने और श्रमिकों के हक में फैसला ले। इस अवसर पर आशीष श्रीवास्तव, जितेंद्र पांडे, शुभम मदन लाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एसोसिएशन गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने कहा, इस प्रकार से हमारी पूरे भारत में लोग अगर काम कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो सरकार ने उसको मालिकों के हक में कानून बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको लेके हम लोग जो है अपने 8 मुद्दों को लेके हम लोग जो है 30 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय हड़ताल पे जा रहे हैं, जिसमें मांग है हमारा प्रोटेक्ट द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कंडीशन सर्विस एक्ट 1976 एंड फ्रेम द सैचुरिटी वर्किंग रूल्स फॉर द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एंड रिमूव ऑल द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूट। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। डेंगू संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को डेंगू के 4 नए मामले मिले हैं। जिले में कुल डेंगू संक्रमितों की संख्या 157 हो गई है। जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड मरीजों से भरा हुआ है। नए मरीजों को नंदानगर स्थित 100 बेड TB अस्पताल में बने डेंगू वार्ड में भेजा जा रहा है। आपको बता दें, अक्टूबर में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सप्ताह में ही केस दोगुना हो गए हैं। शहर के हर मोहल्ले में डेंगू फैला हुआ है। रविवार को 4 केस नए मिले हैं। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि चारों केस शहरी क्षेत्र के हैं। जिले में अब तक 151 लोगों को घरों में मच्छर के लार्वा मिलने पर नोटिस जारी हो चुकी है। अब तक 11,011 लोगों की डेंगू जांच की जा चुकी है। इसमें से 3,823 लोगों की इलाजा और 7,188 लोगों की NS1 किट से जांच हुई है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार आम जनमानस को डेंगू से बचाव के लिए साफ सफाई रखने के लिए अपील किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, डेंगू के वर्तमान समय में 153 मरीज हैं। डेंगू नियमित रूप से घटने के कगार पर है और जगह जगह पर हमारी टीमें जा रही हैं, सोशलाइजेशन कर रही हैं, साथ ही साथ लोगों को मच्छर से बचने के उपाय बता रहे हैं। अब स्कूलों की छुट्टी के समय यातायात पुलिस सतर्क नजर आएगी। स्कूल के आसपास के साथ ही शहरों के चौराहों पर यातायात पुलिस रहेगी ताकि बच्चे जाम में फंसने ना पाएं। इसकी शुरुआत कर दी गई है। SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद खुद सिविल लाइंस में मौजूद रहे। ट्रैफिक पुलिस अन्य चौराहों पर भी वाहनों को निकालते नजर आई। आपको बता दें, SSP के आदेश पर SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने स्कूलों की छुट्टी के समय शहर के चौराहों पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराया। SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने बताया कि स्कूलों में छुट्टी के समय विभिन्न चौराहों तिराहों पर जाम से निजात दिलाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। यातायात पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वह स्कूलों के आसपास के अलावा प्रमुख चौराहों पर सतर्कता बरतें ताकि बच्चों को परेशानी ना होने पाए। उन्होंने बताया कि स्कूलों की छुट्टी के समय बेतरतीब वाहनों के खड़े होने की वजह से रोजाना जाम की स्थिति सामने आती है। सबसे ज्यादा परेशान इस दौरान छोटे बच्चों की होती है। वे पसीने से तरबतर हो जाते हैं। इसे देखते हुए कार्रवाई का आदेश दिया गया है। SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने बताया कि स्कूलों की छुट्टी के समय यातायात पुलिस की रोजाना ड्यूटी रहेगी। कोशिश है कि बच्चे जाम में ना फंसने पाएं। इस दौरान TI धर्मेंद्र सिंह और TI अजीत कुमार पांडे सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, आज सोमवार को अमूमन ट्रैफिक बढ़ता भी है और गोरखपुर में जगह जगह विकास के लिए निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, जिसके दृष्टिगत कहीं जाम ना लगे या स्कूल छूटने के समय स्कूली बच्चे कहीं जाम में ना फंसे, उनके साथ कोई घटना दुर्घटना ना हो, इसके लिए आज यातायात पुलिस के समस्त TI, समस्त PSI, QRT टीम, सारे लोगों को आदेश दिया गया है कि रोड पर मौजूद रहेंगे। जहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं, जहाँ पर स्कूल हैं, विभिन्न चौराहों तिराहों पर एक्टिव रह के यातायात का सुगम संचालन कराएं।
और इसी क्रम में मैं भी भ्रमण करके देख रहा हूँ कि हमारी टीम बढ़िया ढंग से कार्य कर रही है नहीं कर रही है, कहीं पर कोई जाम तो नहीं है, तो स्थिति नॉर्मल है, सारे लोग एक्टिव होकर कार्य कर रहे हैं, समस्त PI DSI सारे लोग सड़कों। चीन में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में कबड्डी में भारत को पुरुष और महिला दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। पूर्वोत्तर रेलवे कबड्डी टीम के दो खिलाड़ी सुनील कुमार एवं प्रदीप प्रवेश भारतीय दल में शामिल थे। वहीं भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी जो SCR में कार्यरत है, पूर्वोत्तर रेलवे कबड्डी टीम की स्टार खिलाड़ी श्री रोहित गुलिया की धर्मपत्नी है। इस संबंध में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे कबड्डी टीम के इन खिलाड़ियों की महान उपलब्धि पर इन दोनों खिलाड़ियों एवं नरसा परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से रेलवे का मान बढ़ा है, आगे भी पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ी द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने दमखम का परचम लहराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, एशियाई खेलों में देश का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा और इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ियों का भी योगदान रहा। NER स्पोर्ट्स एसोसिएशन नरसा की बात करें तो इसके अंतर्गत 8 खिलाड़ी ऐसे थे जो एशियाई खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किए, जिनमें से एक अजय सरोज हैं जो कि 1500 मीटर में जिनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। 2 खिलाड़ी कबड्डी के थे, प्रवेश और सुनील, कबड्डी टीम को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ इस टूर्नामेंट में। इसके अतिरिक्त 3 खिलाड़ी हमारे हैंडबॉल के थे, फीमेल खिलाड़ी थी ज्योति शुक्ला, नीना शेल एंड सुषमा, इन तीनों ने भारतीय हैंडबॉल टीम में प्रतिभाग किया और टीम को 5वां स्थान प्राप्त हुआ इस टूर्नामेंट में। इसके अतिरिक्त एक मानसी वेट रेसलिंग में गई थी, 57 kg वेट कैटेगरी में मानसी क्वार्टर फाइनल में हार गई थी, और एक और इसमें हमारी जो प्लेयर थी प्रियंका गोस्वामी, उसका वॉक रेस 20 किलोमीटर के वॉक रेस में उसका 5वां स्थान रहा, उससे भी मेडल की उम्मीद थी। और आने वाले ओलंपिक्स में भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे ये खिलाड़ी जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ये ओलंपिक्स में भी जाएंगे, और अभी जिस तरह की उपलब्धियां प्राप्त हुई है ऐसी उपलब्धियां हम लोग। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरौली से सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे के कर कमलों द्वारा किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण का कार्यक्रम 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक जनपद में चलाया जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर NL कुशवाहा, अधीक्षक डॉक्टर शिवानंद मिश्रा, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी KN बरनवाल, ARO टीकाकरण अजीत सिंह के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। इस संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का लक्ष्य विशेष परिस्थितियों में छूटे हुए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए आयोजित किया जाता है। जनपद गोरखपुर में कुल 2740 सेशन प्लान किया गया है, जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या 22,367 एवं गर्भवती महिलाओं की संख्या 5,689 है, जिनको चिन्हित कर टीकाकृत किया जाना है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा उपलब्ध टीका सर्वाधिक सुरक्षित है, सबको अपने समय पर टीका अवश्य लगवाना चाहिए, जिससे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का जीवन सुरक्षित व स्वस्थ बनाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, का आज तीसरा चक्र प्रारंभ हुआ, इसका शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरौली से किया गया। इस मिशन इंद्रधनुष के इस कार्यक्रम में 2740 सेशन प्लान किए गए, 0 से 5 साल के लगभग 22,367 बच्चे हैं और गर्भवती माताएं 5,689 हैं। इसमें जो टीकाकरण से जितनी बीमारी जानलेवा बीमारियां होती हैं उनके से जो छूट गए थे
रूटीन टीकाकरण के समय उन बच्चों को चिन्हित किया गया है, जगह जगह स्थान निश्चित करके उनको